नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान में वर्तमान में जो 50 जिले बने हुए हैं, इन 50 जिलों से बिल्कुल नवगठित जिलों के टॉप मोस्ट प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो चाहे आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये वीडियो पूरा देख कर जरूर जाइएगा। साथियों, जिस प्रकार से आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी पर आधारित ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, शुरू करेंगे वीडियो को। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करके जा सकते हैं आप। देखिएगा पहले प्रश्न को, जैसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सलुम्बर में, उदयपुर में, सांचौर में और चित्तौड़गढ़ में। जैसा कि आपको पता है साथियों, जैसमंद झील जो पूर्व में उदयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में उदयपुर से ही अलग एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है सलुम्बर जिला। ये जैसमंद झील सलुम्बर जिले के अंतर्गत वर्तमान में आ चुकी है। और जैसमंद झील के पूर्व में जो कटाफटा पठारी भाग है, जिसको क्या कहा जाता है, लसाड़िया का पठार कहा जाता है साथियों, ये कौन से जिले में आ चुका है? सलुम्बर जिले में आ चुका है। तो पहले प्रश्न में पहला विकल्प जो सलुम्बर वाला ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या दो की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा, राजस्थान का जो नया जीके है, इसकी भूगोल की क्लासेज हमने 50 जिलों के अनुसार चला रखी है। YouTube पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप YouTube पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पर पिछली जो 23 क्लासें हैं वो आप देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल 50 जिलों के अनुसार ये क्लासेज चलाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है साथियों, तो पिछली क्लासेज को आप अटेंड जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर दो है, बाबूजी की जन्मभूमि वर्तमान में कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले में, फलोदी जिले में और बालोतरा जिले में। तो देखो, बाबूजी की जन्मभूमि, अगर आपको ये पता है कि भाई बाबूजी की जन्मभूमि कहाँ है, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे? जैसे बाबूजी की जो जन्मभूमि है वो कोलू गांव में है साथियों, और कोलू गांव वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत आता है? फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। तो फिर आंसर भी क्या रहेगा आपका? फलोदी जिला आपका आंसर रहेगा। पूर्व में ये जो क्वेश्चन था कि भाई बाबूजी की जन्मभूमि कौन से जिले में है, तो फलोदी पहले जिला नहीं था, बल्कि फलोदी जोधपुर के अंतर्गत आता था, तो फिर जोधपुर आपका आंसर होता था। अब जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, अलग अलग जिले हैं ये। तो दूसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न संख्या तीन की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है देखेंगे। उस स्थल का चयन कीजिए जो वर्तमान में सीकर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। कन्हैया लाल गोयकना की हवेली, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और खेतड़ी महल। तो इनमें से जो स्थल वर्तमान में सीकर जिले के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, वो आपको प्रश्न नंबर तीन में बताना है। देखो, पूर्व में ये सभी चीजें सीकर जिले के अंतर्गत ही आती थी, जैसे कन्हैया लाल गोयनका की हवेली है, ये भी सीकर जिले में आती थी, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग ये भी सीकर जिले में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये भी सीकर जिले में। अब वर्तमान में भी ये तीनों चीजें तो सीकर जिले में है, किंतु जो खेतड़ी महल पूर्व में सीकर, खेतड़ी जो है झुंझुनू के अंतर्गत आता था पूर्व में भी, और वर्तमान में भी साथियों जो खेतड़ी महल है ये सीकर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। तो तीसरे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या चार की ओर बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर चार है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जालौर को, रानीवाड़ा को, सांचौर को या भरतपुर को? तो भाई राजस्थान का पंजाब इनमें से किसे कहते हैं साथियों? चौथे प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? सांचौर को। सांचौर वर्तमान में एक जिला बन चुका है, जो पूर्व में कौन से जिले का एक भाग था? जालौर जिले का एक भाग था पूर्व में, किंतु वर्तमान में तो सांचौर खुद ही क्या है, एक जिला है साथियों, और सांचौर को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या पांच की ओर बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर पांच है, सिवाड़ा दुर्ग कहाँ स्थित है? बालोतरा में, बाड़मेर में, जालौर में और भरतपुर में।
तो भाई पांचवें प्रश्न का आंसर बताओ, शिवाना दुर्ग वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत आता है। साथियों आंसर देखे प्रश्न नंबर पांच का कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों शिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आ जाता है। बालोतरा जिला एक नया जिला है, किससे अलग हुआ है साथियों? बालोतरा पहले किसके अंतर्गत आता था? बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था। और ये शिवाना दुर्ग भी किसके अंतर्गत? बाड़मेर के। किंतु वर्तमान में शिवाना दुर्ग कौन से जिले के अंतर्गत आता है साथियों? बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। बालोतरा जिले के बारे में अगर हम कुछ विशेष तथ्य देखें तो देखिएगा जो बालोतरा जिला है, बालोतरा जिले के अन्य प्रमुख स्थल भी आपको याद रखना है, जैसे पंचपदरा जो रिफाइनरी है और पंचपदरा जो झील है दोनों ही कौन से जिले में आ चुके हैं? बालोतरा जिले में आ चुकी है। नागनेची माता का जो मंदिर है यह भी बालोतरा जिले में स्थित है। और वर्तमान में साथियों बालोतरा नामक स्थान पर पहले लूणी नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, किंतु अब स्थान नहीं कहोगे, अब हम जिला कहेंगे, तो लूणी नदी भी इस जिले में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ बालोतरा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे, इनको भी आपको याद रखना है। पांचवें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठे प्रश्न में है जल महलों की नगरी से संबंधित असत्य कथन है। डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने 1725 में करवाया। यहां सीकरी बांध भी स्थित है। इसके पड़ोसी जिले भरतपुर व धौलपुर है। डीग जिले की स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी। तो देखो जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? डीग को कहा जाता है। पहले हम क्या याद रखते थे कि डीग भरतपुर, तो भरतपुर अलग जिला है, डीग अलग जिला है, और जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। साथियों डीग में जो जल महल है इनका निर्माण बदन सिंह ने 1725 में ही करवाया था। और जो सीकरी बांध ये भी डीग जिले के अंतर्गत ही आता है साथियों, पूर्व में भरतपुर जिले के अंतर्गत ही आता था। इसके जो पड़ोसी जिले हैं, तो मित्रों भरतपुर इसका पड़ोसी जिला है, किंतु धौलपुर डीग का पड़ोसी जिला नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो एक तो अलवर जिला इससे सीमा लगाए हुए है और एक भरतपुर जिला इससे सीमा लगाए हुए है। तो दो इसके पड़ोसी जिले हैं अलवर और भरतपुर। फिर आपका जो तीसरा विकल्प है ये जल महलों की नगरी डीग से संबंधित एक असत्य कथन है। छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों, जबकि डीग जिले की स्थापना कब की गई थी? 7 अगस्त 2023 को। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है राजस्थान की पहली सहकारी बैंक 1905 में कहां स्थापित की गई थी? अजमेर जिले में, केकड़ी जिले में, ब्यावर जिले में और जयपुर जिले में। तो देखो प्रश्न संख्या 7 का आंसर देखें। देखो पहली सहकारी बैंक राजस्थान में कब स्थापित की गई? 1905 में। ये तो सभी के क्लियर है, लेकिन कौन से जिले में स्थापित की गई थी? तो साथियों हमने देखा था भिनाई के अंतर्गत। भाई भिनाई तो कोई जिला नहीं है, किंतु भिनाई नामक जो स्थान है यहीं पर राजस्थान की पहली सहकारी बैंक 1905 में स्थापित की गई थी। और वर्तमान में भिनाई जो है ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो भिनाई वर्तमान में केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो साथियों फिर इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? केकड़ी जिला रहेगा, जबकि पूर्व में इस प्रश्न का आंसर क्या होता था? अजमेर होता था, लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? केकड़ी जिला हो गया। देखो केकड़ी जिले के बारे में कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं, जैसे अंगारों की होली जो है यह भी केकड़ी जिले में खेली जाती है। कोड़ामार होली बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यह भी भिनाई नामक स्थान जो केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है यहां पर कोड़ामार होली खेली जाती है। साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। आठवें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा स्थान या कौन सा स्थल? कपास शोध संस्थान व कपास मंडी, द गंगानगर शुगर मिल्स, लेला मजनू की मजार और पड़ोसी जिले इसके हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। तो भाई जो श्री गंगानगर जिले का भाग नहीं है उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 8 के में देखना है कि भाई देखो अगर देखें हम कपास शोध संस्थान व कपास मंडी ये कहां पर है? श्री गंगानगर जिले में। द गंगानगर शुगर मिल्स ये भी कहां है मित्रों? गंगानगर जिले में। और गंगानगर जिले के पड़ोसी जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला, अनूपगढ़ जिला जो नया जिला बना है, बीकानेर जिला, ये तीनों इसके पड़ोसी जिले हैं। किंतु लेला मजनू की मजार श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। आठवें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। नौवें प्रश्न में है आपके कांकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है? अलवर जिले में,
डीग जिले में, खेरतल तिजारा जिले में या नीमका थाना जिले में? तो कंकनबाड़ी के किले के बारे में बताइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 में कौन सा विकल्प आप चुनोगे कि भाई कंकनबाड़ी का किला तो यहाँ स्थित है। आंसर देखें प्रश्न संख्या 9 का। तो मित्रों जो अलवर से अलग हुआ खेरतल तिजारा जिला, बिल्कुल यहीं पर कंकनबाड़ी का किला स्थित है। अतः प्रश्न संख्या 9 में तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वें प्रश्न में पूछ रहा है जोधपुरा सभ्यता, बेराट सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में, जयपुर ग्रामीण में, कोटपुतली बहरोड में और दूदू जिले में? तो भाई देखो, दूदू है, कोटपुतली बहरोड है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ये सभी पूर्व में एक ही जिले के अंतर्गत आते थे, किंतु वर्तमान में सभी ये अलग अलग जिले बन चुके हैं। हम देखते थे कि जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है पूर्व में, बेराट सभ्यता जयपुर में स्थित है पूर्व में, किंतु मित्रों अगर नवीन जिलों के अनुसार हम देखें और बिल्कुल नवीन जिलों से ही प्रश्न बनेंगे आपके, तो जोधपुरा सभ्यता और बेराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आ चुकी है। 10वें प्रश्न में भी तीसरा ही विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे ये प्रश्न, वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके हमें मोटिवेट करिएगा साथियों। 11वें प्रश्न को देखेंगे, फुलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? डिडवाना कुचामन जिले में, शाहपुरा में, दूदू में या ब्यावर जिले में? तो इनमें से वह जिला जहां फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है साथियों, 11वें प्रश्न में उस जिले का चयन कीजिएगा। देखो 11वें प्रश्न का आंसर अगर हम देखें तो फुलडोल महोत्सव जो है ये आपके जो नया जिला बना है, कौन सा जिला? शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिला में ही फुलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 11वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, उस स्थल का चयन कीजिए जो वर्तमान में करौली जिले में स्थित नहीं है। तिमनगढ़ का किला, पांचना बांध, केला देवी का मंदिर और शहर किला नादोती। तो जो करौली जिले के अंतर्गत नहीं आता है, तिमनगढ़ का किला भी किस जिले के अंतर्गत आता है साथियों? करौली जिले के अंतर्गत आता है। पांचना बांध जो राजस्थान का एकमात्र 100% मिट्टी से निर्मित बांध है, वो कौन सा है? पांचना बांध, ये भी करौली जिले में आता है। केला देवी का मंदिर भी कौन से जिले में आता है? करौली जिले में आता है। किंतु शहर किला नादोती जो है ये करौली जिले के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, बल्कि करौली जिले से अलग हुआ एक स्थान है जो जिसका नाम है श्री गंगापुर सिटी। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 में चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा। जो गंगापुर सिटी है ये भी एक नया जिला बन चुका है। 12वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बिंदोरी नृत्य के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? झालावाड़ जिला, बारा जिला, बूंदी जिला या कोटा जिला? देखो चारों ही जो जिले हैं कौन से प्रदेश के अंतर्गत आते हैं साथियों? ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। और बिंदोरी नृत्य के लिए इन चारों जिले में जो जिला है वो है आपके झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला बिंदोरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। झालावाड़ के अगर हम देखें तो राजस्थान का जो है नागपुर भी इसको कहा जाता है। क्यों? संतरे का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसको राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। गागरौन का किला जो जल दुर्ग है ये भी झालावाड़ जिले के ही अंतर्गत स्थित है। प्रश्न संख्या 13 में पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पठार सिरोही जिले में नहीं है? उड़िया का पठार, आबू का पठार, जसवंतपुरा का पठार और इनमें से कोई नहीं। तो सिरोही जिले में जो पठार स्थित नहीं है, उड़िया का पठार भी कौन से जिले में है? सिरोही में। आबू का पठार भी कौन से जिले में है? सिरोही में। पढ़ा रखा है मैंने आपको ये सभी चीजें। और जो जसवंतपुरा का जो पठार है ये जसवंतपुरा का पठार नहीं बल्कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां है साथियों, जो सिरोही जिले के अंतर्गत नहीं आती है। 14वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। वन विहार अभयारण्य करौली,
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और केवलदेव घना पक्षी विहार भरतपुर। तो साथियों हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जंतु वाले मृगवन, इन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ रखा है बिल्कुल नए नवीन 50 जिलों के अनुसार। तो देखो असंगत का चयन हमको प्रश्न नंबर 15 में करना है। केवलदेव घना पक्षी विहार जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर जिले में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है तो अभयारण्य मान्यता नहीं मिली है साथियों। जैसलमेर जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जिले में स्थित है किंतु वन विहार अभयारण्य करौली जिले में स्थित नहीं है। वन विहार अभयारण्य राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है कौन सा? धौलपुर जिला, यहीं पर वन विहार अभयारण्य स्थित है। 15वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, इनमें से सुमेलित का चयन कीजिए। पंचपदरा झील बाड़मेर, बाप झील फलोदी, रेवासा झील झुंझुनू, जैसमंद झील उदयपुर। तो भाई सुमेलित का चयन करना है, जो सही है उसका चयन करना है। साथियों जैसमंद झील हमने एक प्रश्न में देखा था कि भाई ये आपके सलूम्बर जिले में आ चुके, तो ये सुमेलित नहीं हुआ। रेवासा झील भी झुंझुनू में नहीं है, सीकर में ये है, तो ये भी गलत हुआ। पंचपदरा झील बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में है, ये भी गलत हुआ। और बाप झील फलोदी जिले के अंतर्गत ही आती है। तो मित्रों 16वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपको कथनों में दे सकता है एग्जामिनर। जिसे यूं पूछ ले कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई वर्तमान में राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। पूर्व में राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। 17वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, महाराणा सांगा की छत्री कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो भाई ये चारों ही जो स्थान है ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आते हैं। किंतु अब आपको ये पता है नॉर्मली कि भाई महाराणा सांगा की छत्री भीलवाड़ा में है, किंतु स्थान भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों। 18वें प्रश्न में आंसर देखें तो महाराणा सांगा की जो छत्री है ये मांडलगढ़ नामक जो स्थान है भीलवाड़ा जिले में, यहीं पर महाराणा सांगा की छत्री स्थित है। पहला विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, 19वां प्रश्न है। आप सभी को बता दूं कि रीट प्री एग्जाम की जो रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम होता है 2024-25 की यदि आप तैयारी कर रहे हो साथियों, तो रीट प्री एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए नाम मात्र की जो फीस है उसमें, जो एक महीने का रिचार्ज होता है, इस इतने मात्र इतनी फीस में आपको पूरे एक वर्ष का कोर्स दिया जा रहा है। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर के स्टडी विद पीएन लोधा लिखोगे तो भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर बहुत सारी चीजें निःशुल्क भी प्रदान की गई है। तो देखो 19वां प्रश्न है, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ी भाग कहलाता है भोमट, मगरा, देशहरो और गिरवा। तो देखो उदयपुर शहर झीलों की जो नगरी है इसके चारों ओर स्थित एक पहाड़ी भाग है साथियों, और इस पहाड़ी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। 19वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे, अर्थात 20वां प्रश्न, कानन मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बालोतरा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फलोदी जिले में? तो देखो कानन मेले का जो आयोजन है ये, अब यूं सोच रहे हो कि बालोतरा नहीं, आंसर बाड़मेर ही रहेगा, और पूर्व में भी बाड़मेर ही आंसर था इसका, और वर्तमान में भी इसका आंसर बाड़मेर ही है। कानन मेले का जो आयोजन है राजस्थान में कहाँ किया जाता है साथियों? बाड़मेर में किया जाता है। 20वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। ये राजस्थान जीके का 5वां टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।